दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेमी पटियाला सलवार की स्टिचिंग यानी कि सिलाई करना बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि प्रेस को गर्म करना होगा। और दोस्तों, ये बुकरम की पट्टियां हैं जो मैंने ये काट ली हैं। दोस्तों, ये बुकरम की पट्टियां मैंने लगभग ये 2.5 इंची चौड़ी काटी है। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये कलियां हैं, दोस्तों ये कलियां हैं, इस पर निशान लगाना होगा। ये उल्टी साइड है दोस्तों, और ये चार कलियां हैं, इसको उल्टी साइड में इस तरह से निशान लगा लेना है, इस तरह से। और दोस्तों, ये है नेप, इसका ऊपर का बेल्ट है दोस्तों, इसके ऊपर से भी इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। दोस्तों, ये सलंगी है, इसमें जोड़ नहीं है दोस्तों। और ये सलवार कटी हुई है दोस्तों, इस पर भी हम निशान लगा लेते हैं। ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, और ये उल्टी साइड है, और ये उल्टी साइड है, इस तरह से दोस्तों हम निशान लगा लेंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों कि इसके ये पाचे हैं ना दोस्तों, ये मोरी है ना इसकी, इसको सबसे पहले तो हम प्रेस सीधा कर लेते हैं इस तरह से, दोनों पाचे को इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये उल्टी साइड है ना, ये उल्टी साइड इस तरह से, इस तरह से ये उल्टी साइड है, अच्छे से प्रेस लगा लेनी होगी इस तरह से, इस तरह से। और जो हमने ये उल्टी साइड लगाना है दोस्तों, ये हमने बुकरम ली है, इसकी बराबर में इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये बुकरम एक्स्ट्रा है दोस्तों, इसको हमें काट लेना है इस तरह से, इस तरह से काट लेना है, दोनों को इस तरह से रख के बराबर में, और यहां से काट लेना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, ये उल्टी साइड है दोस्तों, उल्टी साइड में दोस्तों हमें यहां पर लगभग यहां से 1/2 इंची का साइड में मार्जिन रखेंगे, यहां से आपको देखो मैं दिखा देता हूं, इस तरह से उल्टी साइड में 1/2 इंची का मार्जिन रखना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी इस तरह से पेस्टिंग कर लेनी होगी, इस तरह से मोरी में पेस्टिंग कर लेनी होगी। दोस्तों, आप अलग कपड़े से भी इस तरह से आप चिपका सकते हैं और लगा सकते हैं दोस्तों इस तरह से। मैं आपको ये पटियाला सेमी सलवार स्टिचिंग आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें अलग से कपड़ा नहीं लिया है, इसमें ही है दोस्तों, मोरी इसमें बनाएंगे हम इसकी। और इस तरह से दोस्तों इसके बाद में इसको यहां से इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से। और दोस्तों, जो हमने ये निशान लगाए हैं दोस्तों, वो सीधी साइड निशान लगाए हैं दोस्तों इस तरह से, और हमने ये सीधी साइड ही चिपकाया है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से पलट लेना होगा, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे इसको। इस तरह से मोड़ लेंगे
दोस्तों सीधी साइड है और इस तरह से हमने ये चिपका लिया है। दोस्तों हमें दूसरी साइड में भी हमें इसी प्रकार से चिपका लेना है इसको, इस तरह से रख के, और इसको या बुकरम भी कहते हैं दोस्तों, इसको चिपकने वाली पेस्टिंग भी बोलते हैं। इसको आधा इंची इस तरह से निकाल के बाहर की साइड में और इस तरह से इसको चिपका लेते हैं, इस तरह से चिपका लेते हैं इसको, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसको मोड़ लेना होगा यहां से, इस तरह से मोड़ लेना होगा, और इसके बाद में दोस्तों इस तरह से इसको मोड़ देना होगा। इस तरह से ऐसे ऐसे चिपक जाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से चिपका लेना होगा, इस तरह से चिपका लेते हैं इसको। और दोस्तों इसको हम साइड में रख देते हैं इस तरह से। और ये बेल्ट है दोस्तों, तो बेल्ट को भी हम ये सीधी साइड है जो हमने निशान लगाए हैं, इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा दोस्तों। हमने नेफे के लिए ऊपर से 1.5 इंची रखा था, हमको लगभग ये 7.5 रखना होगा इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। इसमें दोस्तों नाड़ा डलेगा इसमें, इस तरह से इसको मोड़ लेंगे अच्छे से, इस तरह से। दोस्तों अब मैं मशीन पर आपको चल के बताऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों हमने इस सलवार की पेस्टिंग कर ली है, और सबसे पहले तो दोस्तों इसकी हम कलिया जोड़ेंगे। इसको तो हम ये बेल्ट है इसको तो हम साइड में रख देते हैं, और हम इसका ये एक पायचा ले लेते हैं इसका, इस तरह से। ये दोस्तों सीधी साइड है इस तरह से, और इस तरह से रख लेना है इसको, और इसकी हम सिलाई करेंगे दोस्तों इसके बराबर में रख के, यहां से इस तरह से एक गोंद की सिलाई लगाएंगे दोस्तों यहां से, इस तरह से। दोस्तों हम इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और दोस्तों ये दूसरा पाचा है दोस्तों, इसको भी इस तरह से सीधा रख लेना है इस तरह से। और जिस प्रकार हमने पहले इसकी जोड़ी है उसी प्रकार से दोस्तों इसकी भी यहां से जोड़ लेना है दोस्तों। उल्टा सीधा का ध्यान रखना है दोस्तों हमें, इस तरह से। उल्टे सीधा का दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है, इस तरह से दोस्तों हमने जो निशान लगाए हैं वो सीधी साइड में लगाए हैं दोस्तों। और इसको इस तरह से पक्का करके और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या होगा कि
इसको इस तरह से पलट लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से। और ये सीधी साइड है दोस्तों ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर भी हमें ये क्लियर सीढ़ी होगी। ये सीधी साइड है, हमने जो मार्क लगाए हैं वो सीधी साइड में लगाए हैं। और यहाँ से इस तरह से रख के और इसकी यहाँ से सिलाई कर देना इस तरह से। दूसरा है पायचा, इसको भी हमें इसी तरह से सिलना होगा कि कलियां जोड़नी होगी हमें इस तरह से। ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है, इसको इस तरह से अंदर में रख के और इस तरह से यहां पर पक्का करके और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये सीधी साइड कलियां जुड़ी हुई हैं दोस्तों, इस तरह से यहां पर रख लेंगे और ये इसको सीधा पे सीधा इस तरह रख लेना है, सीधे पे सीधा इस तरह रख लेना है और यहां से इसकी सिलाई कर देनी है इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इस तरह से करके यहां पर ये सिलाई लगा लेनी होगी। ये अंदर की साइड सीधी साइड है, हमें ध्यान रखना होगा। और यहां पर भी हमें एक बोंट की सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से। दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एक बार देखने के बाद में दोस्तों आपको पटियाला सलवार सीलना आ जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसकी ये पोंचे हैं ये बना लेने हैं। इसके पोंचे बनाने के लिए दोस्तों हमें यहां से इस तरह से एक ये किनार की सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। और दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से लगा लेने हैं दोस्तों इस तरह से, ऐसे लगा लेनी है। और दोस्तों नीचे भी हमें एक बोंट की सिलाई लगा लेनी है इसकी यहां से इस तरह से, इस तरह से। और यहां पर भी हमें एक बोंट की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, एक सिलाई हमें ऊपर बोंट की सिलाई लगानी होगी इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों एक सिलाई हमें यहां पर बीच में लगानी है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों
एक सिलाई हम इसके भी बीच में लगा देते हैं दूसरे पास में इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों करना क्या होगा कि हम इसमें डिजाइन देंगे। दोस्तों देखो डिजाइन किस तरह से देनी है, डिजाइन देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से डिजाइन देनी है, इस तरह से, इस तरह से मशीन को घुमाते जाना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और दूसरी में भी इसी तरह से हमें घुमाते जाना है। और इस तरह से हमें आप चाहे जैसा लुक दे सकते हैं इसमें, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों हम ये ऊपर की साइड है दोस्तों, इसमें भी हम अलग से लुक दे सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से घुमाते जाना है। और इसी तरह दोस्तों दूसरे में भी हमें इसी तरह से तरह से ये डिजाइन दे देनी है। दोस्तों आप कैसे भी इसमें नीचे डिजाइन दे सकते हैं। दोस्तों मैं एक सिलाई यहां पर लगाऊंगा इसकी, इस तरह से, इस तरह से। और एक सिलाई दोस्तों मैं यहां से ऊपर से लगाऊंगा इसकी, इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों हमें ये डिजाइन बना लेनी है, आप इसकी डिजाइन दे सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका अब बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए दोस्तों हमें यहां से सबसे पहले हम इसको इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से सीधी साइड में, इस तरह से, और इस तरह से हम यहां पर एक सिलाई लगाएंगे, इस तरह से, और यहां पर थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे छोड़ के इसको, यहां से सिलाई को छोड़ के, यहां से इस तरह से, और यहां से सिलाई चलाएंगे हम इसकी इस तरह से, ताकि हमें नाड़ा डालने में दिक्कत ना हो, नाड़ा आसानी से निकल जाए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है, और ये धागे हैं इसको काट लेना है यहां से, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इस तरह से इसकी चिराई कर लेनी होगी, इस तरह से, इस तरह से, और यहां पर सिलाई कर देनी होगी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से दोनों साइडों में सिलाई कर देनी होगी इसी,
तरह से, और इसके बाद में दोस्तों इसको हमें यहां पर लगभग 1.5 इंच लिया था, इसको आधा इंच इस तरह से मोड़ के, इस तरह से मोड़ के, और यहां पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से। ये नाड़ा डालने के लिए है, ये आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है दोस्तों। तो हमें दोस्तों इसको बीच में इस तरह से रख लेना होगा, इस तरह से बीचों बीच में रख लेना होगा। यहां पर पहले तो इस तरह से ऐसे कर लेंगे हम, ऐसे इस तरह से इसको इस तरह से कर लेंगे, और एक यहां पर हम एक हल्का सा कुटका लगा लेते हैं यहां से इस तरह से, ताकि पता रहे हमें ये बीच का सेंटर है। और इस तरह से हमें ये बीच के सेंटर में इस तरह से ये रख लेना होगा, ये नीचे की सिलाई आ रही है इसके सेंटर से, सेंटर इस तरह से। और दोस्तों यहां पर भी हमें या तो चौक से निशान लगा सकते हैं या यहां पर कुटका लगा सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये है दोस्तों, इसको सीधा कर लेना होगा इस तरह से। ये कलियां जुड़ी हुई है दोस्तों, ये कलियां जुड़ी हुई है। तो हमें क्या करना होगा कि यहां पर हमें लगभग 2 इंची की इस तरह से प्लेट डालनी है, इस तरह से, इस तरह से एक तो इस साइड में डालनी है और एक इस साइड में डालनी है दोस्तों इस तरह से, और यहां पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से, इस तरह से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। दोस्तों ये कच्ची सिलाई लगा रहा हूं, इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेनी है आपको इस तरह से। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार से लगा लेनी है इस तरह से, और दोस्तों इसको सिलाई लगा लेनी है, और ये इसको भी लगभग 2 इंच इस तरह उठा के और आमने सामने प्लेट बनानी है दोस्तों इसकी इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसका हमें साइड में निशान लगाना होगा इस तरह से, ये बीच का सेंटर है दोस्तों, ये बीच का सेंटर है इस तरह से, ये नीचे, और यहां पर हमें एक नोच लगा लेनी होगी इस तरह से, इस तरह से। और दूसरी साइड में भी दोस्तों हमें नोच लगा लेनी होगी, ये सेंटर में, सेंटर मिला के इस तरह से बीच में से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों ये यहां पर हम बेक रखेंगे इस तरह से, यहां पर हम बेक बनाएंगे, और हमें ये बेल्ट है दोस्तों, ये बेल्ट है, इसको उल्टा कर लेना है इस तरह से, इस तरह से उल्टा कर लेना है दोस्तों। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको यहां से इस तरह से रख लेंगे इसको इस तरह से, और इस तरह से ये आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है, ये पीछे
नीचे की साइड है। तो दोस्तों इसको सीधा ही करना होगा आपको, इस तरह से और इस तरह से यहां पर रखना होगा बीच में सेंटर में से, इस तरह से। देखो ये ऊपर है वो नाड़ा डालने के लिए है दोस्तों, और ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है, और इस सीधी साइड से सीधी साइड मिला के इस तरह से दोस्तों, इस तरह से। और हमें यहां पर ये कली आ रही है दोस्तों इस तरह से, और ये कुटका लगा हुआ है दोस्तों, और ये कुटका है दोस्तों। इसको यहां से इसको सीलना होगा और बीच में चुन्नट डालनी होगी। चुन्नट दोस्तों हम ये चुन्नट है वो इस साइड आ रही है, तो दोस्तों हम इस साइड में इसकी चुन्नट डालेंगे इस तरह से दोस्तों हम इसमें चुन्नट डालते जाएंगे इस तरह से। दोस्तों ये कुटका है और ये कुटका है दोस्तों, हमें ये मिलाना होगा इस तरह से। इस तरह से चुन्नट डाल के जाना है दोस्तों। ये दोस्तों बीच का सेंटर, साइड का सेंटर है और ये साइड का सेंटर है, तो दोस्तों हमें यहां पर चुन्नट डालनी होगी इस तरह से, और ये सेंटर पे सेंटर मिलाना होगा इस तरह से। दोस्तों ये कुटका आ गया है इसका, और इसका कुटका ये आ गया है दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों हमें ये यहां तक, यहां से इसको कटा लेना है इस तरह से। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हम इसका डालेंगे चुन्नट इस तरह से, इसको सीधा रख देंगे इस तरह से। और ये चुन्नट है दोस्तों इस साइड में इस तरह से ये आ रही है चुन्नट, इसको इसी साइड में रखना है हमें इस तरह से। और दोस्तों ये कुटका आ रहा है वहां तक हमें चुन्नट डालनी है, ये कुटका से कुटका, ये कुटका भी साइड का है यहां से दोस्तों ध्यान रखिए, ये हम चुन्नट डाल रहे हैं बरोबर में डालनी चाहिए दोस्तों ये बीच का सेंटर आ गया दोस्तों, साइड में ये सेंटर आ गया है इस तरह से, इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये दोस्तों पीछे के तो तैयार हो गया है दोस्तों, और आगे का भी दोस्तों हमें इसी प्रकार से ये जोड़ लेना होगा यहां से इस तरह से। दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं इस तरह से। ये दोस्तों ये आगे की साइड है, इस तरह से इसको रख लेना है इस तरह से बीच में से। ये आपको ध्यान रखना होगा, सबसे विशेष ध्यान ये रखना होगा कि हमें पीछे का और आगे का ये जॉइंट हमें बराबर रखना होगा, नहीं तो सलवार घूम जाएगी दोस्तों इस तरह से बीच में से। और यहां पर तभी आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों
इसी तरह से बीच में से इंटर से लगा के इस तरह से, और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी होगी। और दोस्तों ये बाकी कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों, इसको हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। जिस तरह से ये चुन्नट आ रही है दोस्तों, इस तरह से जिस साइड में ये चुन्नट हमें डालनी है और ये कपड़ा एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से दोस्तों हमें चुन्नट डाल लेनी होगी इस तरह से। इस तरह से दोस्तों चुन्नट डाल लेनी होगी। और दूसरी साइड में भी दोस्तों हमें इसी तरह से आप यहां से भी चुन्नट डाल सकते हैं, और आप चाहे तो यहां से भी डाल सकते हैं। दोस्तों मैं यहां से डाल के बता देता हूं आपको। इस तरह से रख लेना है, और इसकी ये चुन्नट आ रही है दोस्तों, ये इसकी इस साइड आ रही है और इसकी इस साइड आ रही है। जिस साइड में ये चुन्नट आ रही है दोस्तों, उस साइड में हमें ये चुन्नट डालनी है, ये विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जिस साइड में ये चुन्नट आ रही है उस साइड में हमें इस तरह से यहां पर रख के इस तरह से, और इस तरह से हमारी ये चुन्नट आ रही है इस साइड में, हमें देख लेना होगा किस साइड में आ रही है। तो इस साइड में हमें ये चुन्नट डालनी होगी दोस्तों इस तरह से, और ये कपड़े को हमें चुन्नट डालते हुए इस कपड़े में एडजस्ट करना है इस तरह से। और यदि दोस्तों ये एक साथ आपको नहीं आती है, आप नए हैं, तो दोस्तों आप इसको दोबारा निकाल के और एडजस्ट करके दोस्तों आप बना सकते हैं इसको, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है दोस्तों। इस तरह से चुन्नट डालते जाना है और सिलाई करते जाना है दोस्तों इस तरह से। इस तरह से इसकी सारी प्लेटों को हमें यहां पर इस तरह से लगा लेनी है अच्छे से। इस तरह से, और दोस्तों इस साइड में हमें यहां पर इंटरलॉक लगा लेनी है। और दोस्तों मैं काल के लिए आया हूं, इस तरह से आपको इंटरलॉक लगा लेनी है और इसको यहां से इस तरह से सीधा कर लेना है इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहां पर एक सिलाई लगानी है इस तरह से रख के, या तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से और यहां पर हम ये बीच का सेंटर है दोस्तों, ये इस तरह से हमें यहां पर एक दोस्तों मार्जिन हमें बेल्ट की साइड लेना है इसका इस तरह से, और यहां पर हमें
बोंड की सिलाई लगा देनी होगी ताकि मजबूती रहे दोस्तों। इस तरह से तरह से दोस्तों इसकी ये बोंड की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों अब ये बस थोड़ी बाकी है दोस्तों बनने के लिए, बस हमको एक सिलाई और लगानी है। इस तरह से यहां पर हमें इसकी मोरी दोस्तों हमें 13 रखनी है। तो 13 रखने के लिए दोस्तों हमें इस तरह से इसको डबल में करके इस तरह से मोड़ लेना है। और यहाँ पर हमें इस तरह से 6.5 पर निशान लगा लेना है इस तरह से, और इंची टेप को इस तरह से तिरछा रख के, और साइड में दोस्तों यहाँ पर आधा इंची का मार्जिन रहना चाहिए इस साइड में इस तरह से, और इस तरह से एक सिलाई आएगी इसकी इस तरह से, इस तरह से इसको पक्का कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से पक्का कर देते हैं। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से निशान लगा के इसी तरह से दोस्तों हमें यहां पर ये रख के इस तरह से रख के इसको यहां से बराबर में, और इस तरह से हम इसमें इसको दबा देंगे इस तरह से, तो ये मार्का आ जाएगा दोस्तों, ये मार्का आ जाएगा, और इस मार्को को हम पक्का कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे कि इसकी यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से रख के बराबर में इस तरह से, और इस तरह से हम इसकी यहाँ से पक्का करके इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से हम सिलाई करेंगे इसकी। पर दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि ये मार्जिन हमें लगभग आधा इंची का रखना होगा। और दोस्तों ये हमें इस तरह से रखना होगा इस तरह से, ये साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट लेना है दोस्तों इस तरह से। ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा ये बीच का सेंटर बीच में आना चाहिए दोस्तों, इस तरह से ये सेंटर बीच में आना चाहिए इस तरह से, इसको खींचना नहीं है दोस्तों, इस तरह से बीच में सेंटर आना चाहिए इसका। और दोस्तों हमें ध्यान रखिए मार्जिन एक साइड में रहना चाहिए इस तरह से, ये मार्जिन एक साइड में रहना चाहिए दोस्तों इसका, तरह से पक्का कर देंगे यहाँ पर 2-3 बार सिलाई करके। और यहाँ पर हम आधा इंची का मार्जिन सिलाई करेंगे इस तरह से, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे इस तरह से। हम इसको पकड़ के देख लेंगे दोनों को बराबर में रख के इस तरह से, और इस तरह से सिलाई करेंगे। और यहां पर पता करेंगे दोस्तों, और
दोस्तों इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों यहां पर हम इंटरलॉक निकाल लेंगे साइडों में, इसको भी हम नीचे से सीधा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों हमें यहां पर इंटरलॉक निकाल के, और ये दोस्तों देखो दोस्तों कितना प्यारा लुक आया है इसका, इस तरह से ये बन के तैयार है। दोस्तों आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।